press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे. आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम फोकस करते हैं हर रोज़ उन सारी खबरों पर जो मैटर करती है फ्रॉम द पेपर दैट इज़ द हिंदू एंड ऑल द अदर सोर्सेज जो कि अवेलेबल है मेरे पास ऑन द इंटरनेट और ऑन द ऑफलाइन वर्जन. सो गाइज बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनल इशूज़ कुछ कारणों से आई वॉज अनेबल टू टेक द मॉर्निंग शो, बट जैसे समय मिला हम आपके सामने आ गए हैं ताकि आपका जो एक 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 रोज़ का एक हैबिट है टू have the current affairs first thing in the morning wo habit bana rahe. So with this let's start the show guys and dikha de aapko sabse pehle hamara aaj ka quote of the day kya hai. Oh ye raha aapke samne, be responsible for your own greatness. Everyone has greatness beneath them. Everyone has great greatness destined to them, but uske liye you have to be responsible. You have to work really hard to be a great or to be a great worker in any field that you choose. So chaliye shuru karte hain aur aapko dikhate hain ab hamari the image of our first headline jo ki ye rahi aapke samne screen par. और दिखा दें हेडलाइंस पर. अच्छा उससे पहले एक बार दिखा दें हम अपने पेज नंबर्स और ये रहे आपके सामने द पेज नंबर्स गाइस. वी हैव पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, देन वी हैव पेज नंबर 5, पेज नंबर 11 वी हैव 3 हेडलाइंस, देन वी हैव पेज नंबर 12 2 हेडलाइंस, देन वी हैव 2 फाइनेंशियल टर्म्स, देन वी हैव 2 हेडलाइंस फ्रॉम पेज नंबर 13, देन वी हैव 15 एंड देन वी हैव 10 हेडलाइंस दैट आर द अदर हेडलाइंस जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले हमारी फर्स्ट इमेज. ये इमेज हमारी सेकंड हेडलाइन की है और इसके चलना पड़ेगा हमें पेज नंबर 2 पर एंड फिर हम वापस आएंगे पेज नंबर 1 पर. ओके सो वी आर ऑन पेज नंबर 2 गाइस. देयर इज अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. वापस स्क्रीन पे आ जाए. देर इज अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री दैट इज द मिनिस्ट्री दैट लुक्स आफ्टर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको उनकी देखरेख के लिए एक मंत्रालय है. उस मंत्रालय का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट. नाउ अंडर दिस मिनिस्ट्री वी हैव अ काउंसिल एंड दैट काउंसिल इज कॉल्ड एज द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. There are several schemes which are working under the NEC or the North Eastern Council and according to the government, सरकार का कहना है कि NEC के अंदर जितने भी आपके schemes हैं दो schemes should be completed by the year 2020 तक. उन सारी schemes को complete करना ज़रूरी है ऐसा कहना है by the Ministry of North East. तो ये जो headline आपके सामने है ये page number 2 पर है. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. All schemes by NEC have to be completed by 2020. मैं आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूं. ऑल स्कीम्स फंडेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय 2020 एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स मे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग दोज विच आर डिलेड बाय ओवर 3 ईयर्स. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एज पर सेक्रेटरी राम मुइवा उनका हिसाब से जो डिफरेंट आपके स्कीम्स हैं जो कि आपका NEC के अंदर आते हैं. NEC का यहाँ फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. उन्हें कंप्लीट करना है बाय द ईयर 2020. वेल जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री का नाम दोस्तों यहां दिया हुआ है. द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री गाइस हियर इज इट इज द डोनर मिनिस्ट्री जो कि स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं. सो जो डोनर मिनिस्ट्री है बेसिकली उसके अंतर्गत ये आपका आता है एंड ये स्कीम उसी के लिहाज से यहां पर कही गई है. तो चलिए अब वापस चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर.
All schemes which are funded by the Northeastern Council will have to be completed by 2020. जो डोनर मिनिस्ट्री है उसने ये जो निर्णय लिया है कि वो ऐसे सारे आपके प्रोजेक्ट जिसको 3 साल के ऊपर डिले हो गया है उसको कंटिन्यू नहीं करेगा. यहाँ पर डोनर का फुल फॉर्म है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस मिनिस्ट्री. एंड इसके अंदर आती है आपकी NEC, एंड NEC इज़ बेसिकली द मेन एजेंसी फॉर एनी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. अगर हम बात करें इस मिनिस्ट्री के बारे में तो द मिनिस्ट्री हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ईयर 2001. द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिनिस्ट्री इज जितेंद्र सिंह, जो कि वर्तमान में राज्य मंत्री हैं इस मंत्रालय के. और यहाँ पर इसका मकसद है कि जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, इन सारे स्टेट्स में जो डेवलपमेंट है उसको ये आपकी मिनिस्ट्री देखती है. तो मैं हैरी जी के लिए फिर से रिपीट करता हूँ, डोनर मिनिस्ट्री का नाम है, उसका फुल फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके अंदर आता है NEC. NEC की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्हें 2020 तक कंप्लीट किया जाएगा, जो कि स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं. ऐसी कोई स्कीम जिसको 3 साल के ऊपर हो गया है उन स्कीम्स को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा. अगर हम बात करें इस पूरे मंत्रालय की तो इसका फॉर्मेशन हुआ सितंबर 2001 में, और जो कंसर्न मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनका नाम जितेंद्र सिंह, जो कि इस समय राज्य मंत्री हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के. यहाँ पर जो 8 मंत्रालय आपके यहाँ पर उनके नाम हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये मंत्रालय, ये स्टेट्स आपके इसके अंदर आते हैं. तो वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं और एक बार जरा फिर से मैप को दिखा दें. वहाँ पर दोस्तों मैंने दिया हुआ है आपको कि डिफरेंट आपके स्टेट्स कौन कौन से हैं एंड उनके जो जो कैपिटल्स हैं वो दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज ऐजवाल, द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल, कोहिमा इज ऑफ नागालैंड, देन वी हैव असाम्स दिसपुर, देन वी हैव मेघालय जो कैपिटल शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, एंड देन वी हैव सिक्किम दैट इज गैंगटॉक, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा हम यहाँ क्या कह रहे हैं. अगर समझ में आ गया एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए, येस सर, येस सर, येस सर, इट इज़ प्रीटी क्लियर, हमें पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने. वेल, लेट्स फोकस ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड वापस एक बार स्क्रीन पे आ जाएं. गाइस, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो वी ऑल इंक्लूडिंग मी आर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन, हम सब कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी यहाँ करते हैं. तो हमारा जो एक पॉलिटिकल माइंडसेट है या एक रिलीजियस ओरिएंटेशन है उस पर अधिक फोकस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर द फ्यूचर बिल्डर्स ऑफ द कंट्री. तो अब जो खबर है वहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसके बारे में आपको बताऊँगा, तो प्लीज़ कोई इसको अदर वे नहीं लेगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई एम ओनली फोकसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपका इंग्लिश में या फिर करंट अफेयर्स में आ सकता है. सो दैट हेडलाइन गाइज इज ऑन पेज नंबर 1, और ज़रा स्क्रीन पर दिखा दें. A Supreme Court to examine polygamy in Muslim marriage. अभी कुछ समय पहले तलाक के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था, उसने फिर से एग्जामिन करने की बात की है ऑफ polygamy, और ये बेसिकली आपका मुस्लिम मैरिज में होता है, एंड इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब इसको एग्जामिन यहाँ पर करने वाली है. बट गाइज अंडरस्टैंड The only thing of importance for the examination, एक चीज़ जो यहाँ पर important examination के लिए है वो सिर्फ आपका polygamy है, इसके अलावा कोई और चीज़ यहाँ पर important नहीं है. तो मैं आपसे request करूँगा, only go through what is polygamy, और जो UPSC aspirants हैं वो इस article को पढ़ लीजिएगा, इस पर एक उनका एक take आ सकता है, बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं आ सकती हैं. तो एक बार स्क्रीन पर हम दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट, जहाँ पर कि मैंने दिया हुआ है कि वॉट इज़ पॉलीगामी एंड उसके मतलब क्या क्या हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट शैल लुक इन टू द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, निकाह हलाला, निकाह मुता एंड निकाह मिसयार इन द मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. अगर हम पॉलीगैमी की बात करें, पॉलीगैमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस, या फिर व्हेन अ मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, सोशियोलॉजिस्ट कॉल इट इज पॉलीगैमी. तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि जब एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर एक से अधिक शादियाँ किया जाए, जब एक लड़का, एक मर्द, एक पुरुष अगर मैं बोलूँ, तो वो एक से अधिक वाइफ रखे, उसे कहते हैं हम पॉलीगैमी. और व्हेन अ
woman is married to more than one husband, that is called as polyandry. And if the marriage includes multiple husbands and wives, it is called as group marriage. तो देखिए तीन शब्द यहाँ पर हैं. पहला यहाँ पर है polygamy, second यहाँ पर है polyandry and third यहाँ पर है आपका group marriage. Especially for SSC, especially for the English section in banking and UPSC, वहाँ के लिए ये important एक आपका news है. तो यहाँ पर polygamy के बारे में मैंने आपको बहुत ही brief में समझा दिया कि क्या होता है. तो अगर आपको ये clear हो गया है, एक बार comment में डाल दीजिए yes sir, ये हमें यहाँ पर crystal clear हो गया है. और अगर पसंद आया शो तो शो को आप लाइक करना भी मत भूलिएगा. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट हेडलाइन. और वो ये रही आपके सामने, लेट्स फोकस ऑन अनदर मैप गाइस. एंड ये जो हेडलाइन है ये पेज नंबर 5 पर है. तो चलना पड़ेगा हम सबको अब पेज नंबर 5 पर. ओके, सो ये जो हेडलाइन दोस्तों है, इट विल फोकस ऑन द स्टेट ऑफ एमपी. तो ज़रा एमपी को मार्क कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ अगेन अ वेरी रेलेवेंट स्टेट. एंड इसका कैपिटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज़ भोपाल. एमपी की बात करते हैं, द रीज़न वाई वी आर फोकसिंग ऑन एमपी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बिकॉज एमपी ने चेन्नई में कहा है कि जो बासमती राइस है उसका जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है वो होना चाहिए आपका विथ एमपी एंड नॉट विथ एनी अदर स्टेट. उनका मानना है कि बासमती राइस जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है वो मध्य प्रदेश के लिए है. उसका जो एक मेन, उसका जो एक ओरिजिन है, दैट इज़ फ्रॉम एमपी. यहाँ पर दोस्तों बात समझिएगा कि एमपी अपार्ट फ्रॉम बासमती राइस, दे आर ऑल्सो इन स्ट्रगल, दे आर ऑल्सो इन कंटेंशन विथ छत्तीसगढ़ फॉर द कड़कनाथ चिकन. उसके लिए भी आपका एमपी यहाँ पर कंटेंशन में है आपका छत्तीसगढ़ से. तो दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ हैं. सिमिलरली एमपी और तमिलनाडु कहाँ, इसको भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो. जहाँ नीचे लिखा हुआ है पौंडीचेरी, वहाँ पर आपका तमिलनाडु है एंड उसके ऊपर आपका मध्य प्रदेश है. तो चलिए वापस स्क्रीन पर आते हैं और दिखाते हैं आपको हम अपना द हिंदू एंड स्टैटिक, दिखाते हैं आपको इसका हेडलाइन. और वो ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश टेक्स क्लेम फॉर बासमती जीआई टैग, फाइल्स प्ली इन मद्रास हाई कोर्ट. मध्य प्रदेश हैज़ रिटन अ पटिशन इन द मद्रास हाई कोर्ट चैलेंजिंग एन ऑर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हियर ऑन मार्च 15. तो जो आपका जीआई टैग है या फिर जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उसको लेकर उन्होंने एक पटिशन फाइल किया है चेन्नई हाई कोर्ट में फॉर द राइस दैट इज द बासमती राइस. तो एक बार स्क्रीन पर हम दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. यहाँ पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जो स्टैटिक शॉर्ट्स हैं स्पेशली स्टेट्स के, आई वी विल इम्प्रूव दैट static shorts, तो उसको मैंने यहां पर आपके लिए इंप्रूव भी कर दिया है. एमपी हैज फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द मद्रास हाई कोर्ट. दे आर डिमांडिंग टू बी ग्रांटेड द जीआई टैग फॉर बासमती राइस. उनका मानना है कि इफ दिस पर्टिकुलर डिमांड इज नॉट ग्रांटेड, अगर ये डिमांड ग्रांट नहीं की जाएगी तो करीब 80,000 जो फार्मर्स हैं, 80,000 फार्मर्स शैल बी अफेक्टेड बाय द डिमांड्स ऑफ बाय दिस पर्टिकुलर डिमांड, अगर वो मीट यहां पर नहीं होती है. चलिए तो ये एक बेसिकली मुद्दा है. अब बात करते हैं अब हम अबाउट एमपी. द करेंट सीएम ऑफ एमपी इज शिवराज सिंह चौहान. द गवर्नर इज़ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मिस आनंदीबेन पटेल. बेसिकली इट इज़ द नंबर वन स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड सोयाबीन्स. नेशनल पार्क्स की बात करें तो कान्हा, सतपुरा, पन्ना, पेंच एंड बांधवगढ़, दीज आर द फाइव नेशनल पार्क्स ऑफ इम्पोर्टेंस इन मध्य प्रदेश. तो इनके नाम याद करिएगा, आई अगेन रिपीट, कान्हा, सतपुरा, पन्ना, पेंच एंड बांधवगढ़. डैम्स की बात करें तो गांधी सागर डैम इज फॉर चंबल रिवर एंड दी बनसागर डैम इज़ फॉर द सोन रिवर. ये दो वहाँ के बहुत ही फेमस डैम्स हैं जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. अगर बात करें इंपॉर्टेंट रिवर्स की, देन वी हैव नर्मदा, वी हैव तापी, वी हैव बेतवा, वी हैव चंबल, वी हैव सोन, महानदी, शिप्रा, केवई, काली सिंध. मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है इन रिवर्स में. ये रिवर्स में इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं आपकी नर्मदा, ताप्ती, बेतवा और चंबल, एक फोर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी, ऑल द रिक्वेस्ट दैट यू सजेस्टेड मी ऑन माय ईमेल और ऑन द कमेंट सेक्शन, मैंने वो सब यहाँ पर फुलफिल किया है. तो गाइज आप अपने सजेशंस को लगातार देते रहिए ताकि उनको हम ऐड ऑन कर सकें अपने शो के अंदर. सो एयरपोर्ट्स की बात करें तो अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट इज़ इन इंदौर, राजा भोज एयरपोर्ट इज़ इन भोपाल,
The Dumna Airport is in Jabalpur and the Raj Mate Vijaya Raje Sindhya Airport, it is in Gwalior. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं. एक डैम जो यहाँ पर मिस हो गया, दैट डैम इज़ द हीराकुड डैम. उस डैम के बारे में आप सब जानते हैं, वो बहुत ही फेमस डैम है, उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि वो डैम ऑलरेडी काफ़ी यहाँ पर फेमस है. चलिए अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पीपीटी जहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फोक डांसेज. द फोक डांसेज आर गंगौर, मतकी, लोकरंजन, बधाई, बरेड़ी, नौराता, अहिराई एंड भगोरिया. ये आपके इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस हैं इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जिसके नाम है गंगौर, मटकी, लोकरंजन, बधाई, बरेड़ी, नौराता, अहिराई एंड भगोरिया. अगर इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करें तो वो है महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है. देन वी हैव देवी जगदम्बी टेम्पल दैट इज़ इन खजुराहो. वहाँ पर एमपी लग गया पर वो खजुराहो में आपका है, दैट इज़ देवी जगदम्बी. सिमिलरली बात करें देन वी हैव फेमस सिटीज़ की बात करें तो उनमें आपका आता है भोपाल में सिटी ऑफ लेक्स है. इंदौर जो आपकी बात करें तो इंदौर आपका मिनी मुंबई है जिसे कहा जाता है. और स्टेडियम्स की बात करें तो स्टेडियम्स में आपके हैं होलकर स्टेडियम जो इंदौर में है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में है, देन वी हैव ऐशबाग स्टेडियम. हीराकुड डैम जो है वो उड़ीसा में है, तो वो इंपॉर्टेंट डैम है दोस्तों और उसका संबंध इससे नहीं है. यहाँ पर कई लोग कह रहे तो हीराकुड डैम बेसिकली उड़ीसा में है, वो यहाँ पर नहीं है. अगर हम GI टैग की बात करें तो चंदेरी फैब्रिक, लेदर टॉयज और बाघ प्रिंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट GI टैग्स हैं. और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यहाँ पर है वो है खजुराहो, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. तो गाइज मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया. एक यहाँ पर मिस्टेक हुई थी मेरे से भी, आप सबसे भी, हीराकुड डैम जो है उड़ीसा में तो वो यहाँ नहीं होगा. दैट इज़ अ मिस्टेक जो कि आप लोग ने की थी, वो मैंने भी साथ दे दिया आपका, तो बिल्कुल वो बाद में देखिएगा. बाकी चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिएगा. हीराकुड डैम उड़ीसा में, ये बात कन्फर्म हो गई. सो गाइज आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है. अगर क्लियर हो गया है एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए येस सर अप टिल दिस पॉइंट इट इज़ क्रिस्टल क्लियर. यहाँ तक हमें सब कुछ अब क्लियर हो गया है. तो अगर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने. वेल, हम बात करने जा रहे हैं अब एक और व्यक्ति की. इनका नाम है विजय राघवन एंड ही हैज़ बीन मेड द साइंटिफिक एडवाइजर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. भारतीय सरकार के ये साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, ये आपके सलाहकार हैं आपके साइंस के. इनका नाम है विजया राघवन. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें, ये हेडलाइन है पेज नंबर 11 पर. तो चलते हैं हम सब अब पेज नंबर 11 पर. गाइस विजय राघवन इज़ द साइंटिफिक एडवाइज़र फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. के विजय राघवन, the outgoing secretary of Department of Biotechnology, has been appointed the principal scientific advisor to the government of India for the coming 3 years on a contract basis. तो ये अब बने हैं नए scientific advisor भारत के, number one. Number two, इससे पहले ये थे secretary Department of Biotech के और अब ये आपके बने हैं scientific advisor. और इसके बारे में और जानते हैं through our Hindu and Static Shorts, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. दिखा दें स्क्रीन पर हेडलाइन, ये रही आपके सामने. के विजय राघवन हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, उनको अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. वो सक्सीड करेंगे 81 ईयर ओल्ड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आर चिदम्बरम को, जो कि इस पोजीशन पर पिछले 16 साल से थे. ही वॉज अपॉइंटेड इन 2001 एंड नाउ ही विल रिटायरिंग. विजय राघवन अप टिल नाउ वॉज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अगर हम बात करें इस पोस्ट की, दिस पोस्ट इज क्रिएटेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट और ये सबसे बड़ी एडवाइजर पोस्ट होती है इन मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी. साइंटिफिक पॉलिसी के लिए ये सबसे बड़ी आपकी पोस्ट होती है. यहाँ अगर बात करें तो जो ऑफिस ऑफ द PSA इज वन ऑफ द 3 साइंटिफिक बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट रिलाइज ऑन फॉर एडवाइस ऑन मैटर रिलेटिंग टू साइंस. फॉर एग्जाम्पल जो भारत में साइंटिफिक मैटर्स हैं उनमें 3 संस्थाएं हैं. फर्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. सेकेंड वी हैव इज द SACPM, that is the Science Advisory Council to the Prime Minister, and third we have SACC, that is the Science Advisory Council to the Cabinet. तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें देखिएगा ध्यान से. सबसे पहले कि इनका नाम है विजय राघवन, he has been made as the new scientific advisor. Second, इन्होंने replace किया है R. Chidambaram को, who was basically the advisor since 2001. नंबर 3, PSA पोजीशन आपकी पोजीशन होती है फॉर द साइंटिफिक एडवाइजरी पोस्ट, उसके लिए होती है. पॉइंट नंबर 4, इसके अलावा 2 पोजीशंस और होती हैं. नंबर 1 SACPM एंड देन वी हैव SACC, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं.
तो गाइज वापस स्क्रीन पे आते हैं। सो मैंने आपको पूरी हेडलाइन क्लियर हो गई है। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो मुझे ज़रा कमेंट्स में डाल दीजिए, सर येस सर वी हैव अ डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ प्रोसीड टू आर नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज। वेल ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो साइड हैं। On the one side we have our India group, and on the other side guys we have the group that focuses on the Japanese counterpart, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। Let's focus on these two traits। और यहाँ पर हम बात करें तो इंडिया में हो रहा है एक मीटिंग, एंड दैट मीटिंग गाइस टेकिंग प्लेस बिटवीन द इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स फॉर चाइना। तो ये जो हेडलाइन है ये हमारी पेज नंबर 11 पर है, और स्क्रीन पर दिखा दें, इंडिया चाइना प्लान FTA ब्रेक थ्रू, जहाँ पर FTA का यहाँ पर फुल फॉर्म है फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट। तो भारत चाइना ने आपस में बातचीत की है, एंड दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसकी हम बात यहाँ पर आपके सामने अब करने जा रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु एंड हिज चाइनीज काउंटरपार्ट जोंग शान हैव मेट, एंड दे हैव मेट फॉर द फर्स्ट हाई लेवल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोथ साइड, नंबर वन। नंबर टू, दे विल रीसेट देयर टाइज दिस ईयर इन द रन अप टू द मीटिंग ऑफ मोदी इन द समिट इन चाइना। तो उसको लेकर ये आपका मीटिंग हुआ। यहां पर दोस्तों देखिएगा कि दिस मीटिंग वॉज द 11th मीटिंग ऑफ द इंडिया चाइना जॉइंट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस ट्रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी मीटिंग हुई, इस मीटिंग को जरा मार्क कर लीजिएगा, दैट इज द 11th मीटिंग ऑफ द इंडिया चाइना जॉइंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस ट्रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मीटिंग आपकी हुई इन इंडिया इन न्यू दिल्ली, और इस मीटिंग में आपके दो लोग आए, सबसे इंपॉर्टेंट वन जोंग शान who is the current commerce minister of China, and second we have Mr. Suresh Prabhu who is the commerce minister of India. तो आपको दिखाते हैं इसी के बारे में the important facts, और वो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, दिखा दे स्क्रीन पर। 11th meeting of the 11th China Joint Group on Economic Relations, Trade, Science and Technology, ये आपका स्टार्ट हुआ है, और ये आपका स्टार्ट हुआ that took place इन न्यू दिल्ली, नंबर वन। नंबर टू बात करें तो जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे वो यहाँ पर थे, उनके साथ यहाँ पर थे दी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स फॉर चाइना, दैट इज जोंग शान, वो इनके साथ यहाँ पर थे, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर उन्होंने बात की दे प्रमोटेड डिफरेंट पॉलिसीज अमंग ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने कहा है कि वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करेगा, एंड जो आपका जो चाइना है वो प्रमोट करेगा द 15-year डेवलप एजेंडा, द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ऑल्सो द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसको वो यहां पर आपका डेवलप करेगा। अगर हम FTA की बात करें तो FTA का फुल फॉर्म है फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज टू एस्टैब्लिश अ फ्री ट्रेड एरिया वेयर कॉमर्स इन गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी कंडक्टेड अक्रॉस द कॉमन बॉर्डर्स विदाउट टैक्सेस और एनी ऑब्स्टेकल्स। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि जो दोनों देश हैं वो आपस में बिना किसी खास टैक्सेस के, खास ऑब्स्टेकल के, बहुत आसानी से व्यापार यहां पर कर पाए। तो इस चीज को भी यहां ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां बनेगा कि वेयर डिड द 11th मीटिंग ऑफ द इंडिया चाइना जॉइंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस टू प्लेस, द आंसर इज न्यू दिल्ली, नंबर वन। नंबर टू, हु इज द करंट कॉमर्स मिनिस्टर, उसका आंसर है आपका सुरेश प्रभु। नंबर थ्री, हु इज द करेंट चाइनीज मिनिस्टर, उसका आंसर यहां पर होगा दैट विल बी जोंग शान, जो कि स्क्रीन पर आप ऑलरेडी फिलहाल देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज, एंड दिस इज द इमेज गाइज। भारत और US के बीच, बिटवीन US एंड इंडिया वी हैव अ नेवल ट्रेनिंग जो कि आपकी शुरू हुई है, और इस ट्रेनिंग में इंडियन नेवी के कुछ इंडियन नेवी का INS तरकश एंड जो आपका US का थियोडोर रूजवेल्ट है उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा, US इंडिया होल्ड नेवल ट्रेनिंग, ये हमारी आज की नेक्स्ट हेडलाइन है। INS तरकश कैरीज आउट ग्रीटिंग एंड ट्रेनिंग विद USS थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ उसको मार्क करके, एंड ये रहा आपके सामने।
Indian Navy's Talwar class frigate INS Tarkash carried out a greeting and training exercise on Sunday with the US Navy's Theodore Roosevelt carrier strike group, जो कि स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं. तो यहाँ पर दो आपके ships थे, number one we had INS Tarkash and number two we had the US Navy's Theodore Roosevelt, जिन्होंने यहाँ पर आपस में एक यहाँ पर training किया है जो कि स्क्रीन पर आप already फिलहाल देख भी पा रहे हैं. दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि ये जो training हुई, जहाँ पर they were focusing on different measures on trying to help each other out, कई चीजों पे इन्होंने यहां फोकस किया है. तो आइए दिखाते हैं आपको इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. INS Tarkash has carried out an exercise with the US Navy's Theodore Roosevelt carrier, जो कि है आपका TRCSG. यहाँ पर जो आपका INS Tarkash है वो एक तरह का frigate है. The INS Tarkash guys is basically a frigate and that frigate is basically the intermediary between a destroyer and a corvette. देखिए तो तीन होती हैं ships आपकी. Number one, we have a corvette, a smaller ship. Then we have a frigate and then we have a destroyer. तो तीन तरह की भारतीय नेवल शिप आपकी होती है. उनमें जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें आपका ये चीज़ आता है. अगर हम बात करें INS Tarkash की, INS Tarkash बेसिकली इज़ द फिफ्थ जनरेशन तलवार क्लास शिप और इसको बनाया गया है बाय दी यातनार शिपयार्ड इन रशिया. रशिया में बनाया गया है और 2012 में इसको कमीशन किया गया था इन रशिया एंड नाउ इट इज़ इन द इंडियन नेवी सिंस 7 December 2012. तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो एक्सरसाइज आपकी हुई, इट टुक प्लेस इन द अरेबियन गल्फ एंड ये खबर यहां पर. तो यहां पर देखिए दो चीजें हैं, पहला तो INS Tarkash एंड सेकेंड INS Theodore Roosevelt, जो दो आपकी शिप्स थी जिन्होंने यहां पर ये ट्रेनिंग किया और मैंने आपको दे दिया है कि INS Tarkash के बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं. यहां तक अगर क्लियर है आपको एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए यस सर. After this particular point, everything is crystal clear. यहाँ तक हमें सब कुछ अब क्लियर हो गया है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइज एंड दिस इज द इमेज. स्क्रीन पर दिखा दें उस चीज़ को अगर नहीं है. हाँ बिल्कुल है. तो यहाँ पर दोस्तों एक नया लॉ बना है. देर इज अ न्यू लॉ दैट हैज़ बीन पास्ड इन द US इन मलेशिया माफ कीजिएगा एंड दैट लॉ हैज़ अ 10-year बैन फॉर फेक न्यूज़. अगर किसी भी देश के न्यूज़पेपर ने, न्यूज़ चैनल ने, इफ़ इट स्प्रेड्स अ फेक न्यूज़ देन दैट न्यूज़ चैनल विल बी जेल्ड फॉर 10 years. उसे 10 साल तक की जेल की सज़ा कराई जाएगी. तो दोस्तों ये रही आपके सामने हेडलाइन, जरा स्क्रीन पर दिखा दें इसको फिर से और ये रही आपके सामने. मलेशिया बिल प्रपोजेज 10-year jail term for fake news. According to the minister, Prime Minister of Malaysia, Mr. Najib Razak, उनका कहना है कि एक बिल पास होगा जिसमें कि if anyone is found guilty, it will be jailed to 10 years in jail और जो वहाँ पर fine होगा that would be around $1,28,140. इतने का उस पर वहाँ पर एक फाइन भी पड़ने वाला है जो कि स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं. तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि देयर विल बी अ फाइन दैट विल बी सैंक्शनड, देयर विल बी अ जेल टाइम दैट सैंक्शनड. अब ऐसे अगर इंडिया में हो गया तो बहुत सारे लोग तो भैया चले जाएंगे. मतलब लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक बट दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव हेडलाइन गाइज बिकॉज यहाँ पर जो करते हैं वो भी जाएंगे और जो नहीं करते हैं वो भी जाएंगे. सो इट कैन बी ऑन बोथ साइड्स. गुड पीपल कैन ऑल्सो बी जेल्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा एंड सम ऑफ द पीपल्स कैन ऑल्सो बी जेल्ड जो कि यहाँ पर हो जाएंगे. वापस स्क्रीन पर आते हैं यार. मॉर्निंग में ही शो होता है. पिछले 2-2.5 हफ्तों में दूसरी बार है ऐसा कि ये शो 12 बजे हो रहा है. सम टाइम्स बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनल इशू और सर्टन थिंग्स अनअवॉइडेबल थिंग्स वी आर अनेबल टू डू इट लाइव. ऐसा मत कहो कि मॉर्निंग में क्यों नहीं होता. मॉर्निंग में ही होता है मेरे भाई. पिछले 2 साल से मॉर्निंग में हो रहा है पर हाँ कभी कभी इट हैपन्स इन द आफ्टरनून सो दैट आपका उस दिन का करंट अफेयर ना मिस हो जाए. तो प्लीज़ मज़ा लो शो का, अच्छे से देखो शो. पर ये मत कहो कि मॉर्निंग में ही होता है भाई. कल मॉर्निंग में ही होगा, परेशान ना होइएगा. चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट हेडलाइन एंड दिस इज द हेडलाइन गाइस. मलेशियाज गवर्नमेंट, वही हेडलाइन है. मलेशियाज गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अ न्यू लॉ एंड दैट लॉ विल मेक फेक न्यूज अफेंडर्स विद अ 10-year जेल टर्म. प्राइम मिनिस्टर रजाक ने कहा है कि उन्हें जो उनके खिलाफ एक आरोप था एक multi-billion-dollar स्कैंडल का उसको हटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है. नाउ इस बिल का नाम है द एंटी फेक न्यूज बिल. दैट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल गाइड. नंबर वन. नंबर टू, इसके अंदर अगर किसी ने क्रिएट किया, ऑफर किया, सर्कुलेट किया,
प्रिंट किया, पब्लिश किया, अगर इनमें से कुछ भी किया फेक न्यूज़ करने में, तो उसको 10 साल की कट्टर नहीं कहूँगा, 10 साल की कड़ी सज़ा दी जाएगी. नाउ द फाइन विल बी अराउंड 500,000 रिंगिट, विच इज़ अराउंड $1,28,000. एंड यहाँ पर फेक न्यूज़ इज़ एनी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, डेटा, रिपोर्ट विच इज़ और आर होली और पार्शली फॉल्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स, विजुअल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और इन एनी अदर फॉर्म केपेबल ऑफ सजेस्टिंग वर्ड्स और आइडियाज़. मतलब चाहे टोटली हो चाहे पार्शली हो, अगर वो न्यूज़ फेक निकली तो उसको वहाँ पर उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा यहाँ पर बना दी जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर. और ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. एंड वेल, शी इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान एंड मी फॉर वन इज़ वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन इट्स सोशियो प्रिविलेजेस. वो अपने जो एक सामाजिक एक उसके टैबूज़ हैं उन पर वो यहाँ पर काम कर रहा है, बिकॉज जो पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर हैं वो बनी है आपकी अब यहाँ पर. और चलिए दिखाते हैं आपको ये हेडलाइन. और ये हेडलाइन आपके सामने आ गई है, पाकिस्तान्स टेलीविजन एंकर, पाकिस्तान टेलीविजन गेट्स इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर, जिसका नाम है मारविया मलिक, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. As the first transgender news anchor in Pakistan, Marwiya Malik is proud to be at the forefront of changing attitudes in her country, but she says there is a long way to go. काफ़ी लंबे समय अभी तय करना है. और she has become the first transgender news anchor of the Pakistan television. चलिए अब आपको दिखा दें इसी का the Hindu static shorts, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. A news channel in Pakistan has cast a transgender person as their news anchor. एक चैनल है प्राइवेट ऐप, उसका नाम है कोहिनूर न्यूज़, जिसने कि माविया मलिक को एज अ न्यूज़ एंकर यहाँ पर रखा है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा वहाँ पर हो चुका है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वी हैव पद्मिनी प्रकाश, जो कि पहली भारतीय ट्रांसजेंडर थी टू बी दी न्यूज़ एंकर इन लोटस टीवी. देन वी हैव अप्सरा रेड्डी, द फर्स्ट इन BBC. एंड ब्रिटेन्स फर्स्ट आपकी पेरिस लीस, जो कि चैनल 4 के लिए ट्रांसजेंडर एक्टर के रोल, ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर के रोल पे उन्होंने यहां पर काम किया. यहां पर नाम लिखिएगा, दैट इज मारविया मलिक, हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर. और ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज. एंड दिस इज द इमेज गाइज. एंड नाउ अब बारी है हमारे फाइनेंशियल टर्म्स की. तो स्क्रीन पर दिखा दें हमारे अब आज के फाइनेंशियल टर्म्स कौन कौन से हैं. और दिखा दें नेक्स्ट PPT. और ये रही आपके सामने द PPT गाइस. और ये रहे दो टर्म्स. द फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स. सेकेंड वन गाइस हियर इज द MSME, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो चलिए स्क्रीन पर दिखा देते हैं पहले आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं. देखिएगा स्क्रीन पर, वेन a bonds interest rate changes with change आपका किया गया है फॉर द क्रेडिटर बट ऑल्सो फॉर द बॉन्ड, दोनों के लिए ये आपका यहाँ पर काम किया गया है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड. जल्दी दिखा दें आपको उसी का PPT. और ये रहा आपके सामने द PPT ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. और ये स्क्रीन पे आपके आ जाएगा. एंड दिस इज द PPT गाइस. Inflation index bonds are bonds which provide the investor a constant return irrespective of the level of inflation in the country. यहाँ पर जो inflation का level है उसके हिसाब से वो rate देता है उस bond के अंदर. और इसका objective होता है main कि जो investors हैं उनका जो एक risk है उनको अधिक पैसा pay करने का, उस risk को यहाँ पर कम किया जाए. Inflation index bonds की बात करें तो basically advanced economies में ये limit किया जाता है एक low inflation तक, वहाँ तक यहाँ पर इसको control किया जाता है. बेसिकली ये आपने देखा कि व्हाट इज एन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन अगेन आ PPT. और दिखा दें फिर से हमारे A4 शीट को. और ये रहा आपके सामने द A4 शीट गाइस. एंड यहां बात करते हैं अब हम एक और हमारे टर्म की, जो हमारा टर्म आएगा दैट इज MSME. टर्म आएगा दैट इज द MSME, इसकी बात यहां पर आपके लिए करते हैं. चलिए अगर हम MSME की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म है
micro, small, and medium enterprises. ये इसका यहां पर हमारा फुल फॉर्म है. अब सवाल उठेगा कि सर व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मीडियम एंड व्हाट इज स्मॉल. तो अगर किसी एंटरप्राइज का, इफ एनी एंटरप्राइज हैज अ टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 5 crore, इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज. तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर आपका 5 crore तक है, उसे हम यहां पर कहेंगे दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी कॉल्ड हियर एज अ माइक्रो एंटरप्राइज, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल के लिए देख भी पा रहे हैं. अच्छा, फिर बात करते हैं अब हम स्मॉल के बारे में. अगर किसी एंटरप्राइज का, इफ एनी एंटरप्राइज हैज अ टर्नओवर बिटवीन 5 crore to 75 crore, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर, जी देखिए नया क्लासिफिकेशन है तो इसकी बात हम यहां पर आपके सामने करेंगे. तो किसी कंपनी का जो टर्नओवर है, इफ इट इज बिटवीन 5 to 75 crore, अगर उसके बीच ये टर्नओवर आपका है, तो वहां पर इसको कहा जाएगा दैट कंपनी, दैट पर्टिकुलर टर्नओवर विल बी कॉल्ड एज अ मीडियम एंटरप्राइज. जो स्क्रीन पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर एक एंटरप्राइज है उसका टर्नओवर आपका 5 crore to 75 crore के बीच है, दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ स्मॉल एंटरप्राइज. और अगर टर्नओवर आपका 75 crore to 250 crore के बीच है, इट विल बी कॉल्ड एज अ मीडियम. दोस्तों ये नया आपका एक पॉलिसी आया है, अगर शो पसंद आ रहा है तो लगातार शो लाइक करते रहिएगा क्योंकि अच्छा रहेगा. तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि व्हेन एन एंटरप्राइज हैज़ अ टर्नओवर दैट इज बिटवीन 5 to 75 crore, दैट इज अ स्मॉल, दैट इज 75 to 250, दैट इज मीडियम, और अगर 5 तक है तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो. तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये आपके 3 हमारे यहाँ पर एंटरप्राइजेज हैं. तो अब जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. A micro enterprise is an enterprise having an annual turnover of less than or equal to 5 crores. A small enterprise is a company having turnover between 5 to 75 crores. Or medium wo company hai jiska turnover jo hai aapka wo 75 se 250 crore ke beech hai. Chaliye ab aage badhte hain aur aapko dikhate hain hamari next headline, aur wo ye rahi aapke samne the next headline guys. Well, let's focus on the Jet Airlines. Aaiye baat karte hain ab hum Jet Airlines ke bare mein, because Jet Airways jo hai उसने अपना एक नया रीजनल गेटवे बनाया है इन द सिटी ऑफ गुवाहाटी. तो स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है दोस्तों, जेट प्लान्स रीजनल गेटवे इन गुवाहाटी, दैट इज आवर हेडलाइन. जेट एयरवेज सेड इट हैज प्लान टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस इन द नॉर्थ ईस्ट एंड मेक गुवाहाटी इट्स रीजनल गेटवे. तो बेसिकली वो अपने जो ऑपरेशंस हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसको बढ़ाएगा नंबर वन, एंड नंबर टू वो अपना जो रीजनल गेटवे है उसको बनाएगा इन द सिटी ऑफ गुवाहाटी. तो स्क्रीन पर आपको दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, और ये रहा आपके सामने. आशीष शर्मा जी, शुक्रिया आपके 20 रुपये देने के लिए, थैंक यू सो मच. और वो ये रहा आपके सामने हेडलाइन, Jet Airways has announced plans to expand its operations in the northeast and make Guwahati its regional gateway of the region. अगर हम Jet Airways की बात करें, establishment इसका हुआ 1st April 1992. इसके headquarters हैं आपके मुंबई इंडिया में. इसके जो chairman हैं उनके नाम है नरेश गोयल, and the current CEO is Mr. विनय दुबे, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. तो Jet Airways अपना एक regional gateway बनाएगा, कहाँ पर? The gateway will be in Guwahati, और यहाँ पर establishment है आपका 1 April 1992 में, headquarters मुंबई में है, और chairman इसके जो है उनका नाम है नरेश गोयल, and the current CEO is विनय दुबे, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइस, एंड दिस इज द हेडलाइन. गवर्नमेंट जो है उसने गारंटी किया है कि वो 5,000 crore रुपए जो है वो गारंटी करेगा रेलवेज को. यहां पर दोस्तों समझिएगा ध्यान से, एक आपका जारी हुआ था बॉन्ड, सम बॉन्ड्स वर इशूड, दोज बॉन्ड्स वर इशूड बाय द IRFC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन. उसने बॉन्ड्स को जारी किया था.
Now these bonds were issued to the life insurance corporation. और ये जो आपका बॉन्ड है इसकी जो गारंटी है अब देगा आपका द यूनियन गवर्नमेंट एंड द गारंटी इज एट 5,000 करोड़ रुपीज़ जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो IRFC का बॉन्ड है उसको गारंटी करेगा एंड दैट गारंटी अमाउंट का इज़ रुपीज़ 500. संदीप मंडल मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट्स की इंपॉर्टेंस है पर साथ ही साथ जो शो चल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस भी है. तो अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल अगर मैं अभी ना बता पाऊँ तो आप शो के बाद पूछ सकते हैं. सो प्लीज़ ये मत कहिए कि इंपॉर्टेंस हर चीज़ की है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट द हेडलाइन इज. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. चलिए यहाँ अगर बात करें तो मार्च 2015 में रेल मिनिस्ट्री ने एक अग्रीमेंट किया था विद LIC एंड आफ्टर दैट दे इशूड अराउंड 5,000 करोड़ IRFC बॉन्ड्स टू LIC एंड उसको लेकर यहाँ पर ये काम किया गया है. तो दोस्तों यहाँ सवाल बनेगा कि दी IRFC बonds ऑफ रुपीज़ दी IRFC bonds were issued टू विच ऑफ द फॉलोइंग. द आंसर विल बी LIC. नंबर टू, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गारंटी दैट इज़ ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ 5,000 करोड़, जो कि स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज पर. और ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज एंड दिस इज़ द इमेज. अजिंक्य रहाणे हैज़ रिप्लेस स्टीवन स्मिथ एज द न्यू राजस्थान रॉयल्स कैप्टन. राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन हैं वो अब बने हैं अजिंक्य रहाणे. और ये जो हेडलाइन हमारी है ये है पेज नंबर 15 पर. स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, स्टीव स्मिथ ऑन मंडे स्टेप डाउन एज द RR कैप्टन एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय अजिंक्य रहाणे इन द वेक ऑफ द बॉल टेम्परिंग स्कैंडल दैट हैज़ लेफ्ट द ऑस्ट्रेलियन स्किपर्स रेपुटेशन इन टैटर्स. तो स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि अप्रैल 7 से आपका शुरू होने वाला है IPL एंड उसमें जो अब आप राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन हैं उनका नाम अब है अजिंक्य रहाणे, वो अब आपके स्टीव स्मिथ नहीं रहे हैं. सिमिलरली बात करें तो लोग कह रहे हैं कि सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन भी अब आपके शायद डेविड वार्नर ना रहें. चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइज एंड दिस इज द इमेज एंड अंबारी है हमारी अदर करंट अफेयर्स की. तो चलिए इसकी बात करते हैं और मैं पेपर को रख देता हूँ नीचे ताकि हम अदर करंट अफेयर्स की अब आपके सामने बात करें. तो चलिए दिखाते हैं आपको फर्स्ट हेडलाइन. इंडिया की जो रैंक है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मोबाइल इंटरनेट स्पीड उसमें बेहतर हुई है. In terms of fixed broadband, India's rank this year is 67, which is better than the previous year. In terms of mobile speed, it is at 109th. ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं कैसे कहूँगा भाई, मेरी इतनी कोई अहमियत नहीं. बट अकॉर्डिंग टू द स्पीड टेस्ट वेबसाइट ओकला, तो ओकला कहना है कि जो इंडिया की रैंक है दैट इज़ एट 67th ओवरऑल इन फिक्स्ड ब्रॉडबैंड एंड 109th इन मोबाइल इंटरनेट स्पीड. अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो नॉर्वे इज़ द कंट्री जो कि नंबर वन आया है इस पर्टिकुलर सर्वे में. और उसका जो स्पीड है दैट इज़ द एवरेज डाउनलोड स्पीड जो है दैट इज़ एट 62.07 Mbps. सिमिलरली बात करें अगर फिक्स ब्रॉडबैंड में तो वहाँ पर सिंगापुर हैज़ द मैक्सिमम एवरेज डाउनलोड ऑफ 161.53 Mbps. तो भाई बहुत अच्छी स्पीड है सिंगापुर में. इंडिया की स्पीड भी अब पहले से काफ़ी अच्छी यहाँ पर हुई हैं, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा. फिर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन की. एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर हैज़ बीन ओपन्ड. एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो आपका शुरू हुआ, दैट हैज़ बीन ओपन्ड इन दी सिटी ऑफ श्रीनगर. और इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो कि इसका नाम है. और ये एशिया का सबसे बड़ा आपका ट्यूलिप गार्डन है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. यहाँ पर अगर बात करें तो करीब 12.5 लाख आपके ट्यूलिप बल्ब्स लगे हैं और 48 वराइटीज़ यहाँ पर आपकी शो की गई हैं. तो ओवरऑल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज़ द एशियाज लार्ज ट्यूलिप गार्डन जो कि आपका बना है इन द सिटी ऑफ श्रीनगर. यहाँ पर दोस्तों सवाल बन सकता है आसान सा कि कहाँ पर है, द आंसर इज श्रीनगर. शशांक सिंह जी थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीज़ आपके डोनेशन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो आज दोस्तों दो हेडलाइन हमने कवर की हैं, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर और वो ये रही आपके सामने, दिखा दे स्क्रीन पर. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इंडिया दे हैव साइंड अ होस्ट सिटी अग्रीमेंट. यहाँ पर ISA ने
और जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने एक होस्ट सिटी अग्रीमेंट पर टाइप किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप के बाद से जो आपका ISA है, ISA इज नाउ अ जुडिशियल बॉडी, वो अब आपकी एक जुडिशियल बॉडी बन गई है। जुडिशियल एक उसकी नॉट बॉडी, बेसिकली इट हैज़ नाउ अ जुडिशियल पर्सनैलिटी, अब उसकी एक लीगल तौर पर भारत में पहचान है। ये अग्रीमेंट को साइन किया बाय जनरल और बाय रिटायर्ड जनरल ऑफ राज जनरल एंड द स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वीके सिंह ने, एंड उन्होंने साइन किया विद उपेंद्र त्रिपाठी जो कि इंटरनल डायरेक्टर हैं आपके ISA के। यहाँ पर ये जो अगर हम ISA की बात करें, इट वॉज अनाउंस्ड ऑन 30th November 2015 इन द पेरिस कॉन्फ्रेंस। इसका जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट था वो आपका साइन हुआ था 6 December 2017 को, और ISA हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है और गुरुग्राम में है। तो भारत की जो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है वो जो उस पर एक संस्था बनी है उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके इंडिया में ही हैं। और ISA की बात करें तो इसका जो फाउंडेशन डे है वो आपका पड़ता है 11th March 2018, उस दिन आपका इसका फाउंडेशन डे पड़ता भी है। तो यहाँ पर बनेंगे चार सवाल। सवाल बनेंगे कि विच कंट्री एंड ISA हैज साइंड द होस्ट सिटी अग्रीमेंट, तो वहाँ जो आंसर होगा दैट इज द इंटरनेशनल सोलर, दैट इज इंडिया नंबर वन। नंबर टू, कब बना इसका अनाउंसमेंट 2015, अग्रीमेंट कब साइन हुआ 6 December 2017, एंड इसका फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस डे कब मनाया गया, दैट इज़ ऑन 11th March 2018। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर शो आपको पसंद आ रहा है तो आप शो को लाइक भी यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हम अगली हमारी हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने, मिशन संभव या मिशन पॉसिबल। नाउ दिस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द असमीज गवर्नमेंट, जहाँ पर कि वो इस मिशन के अंदर 1,00,000 आपके टॉयलेट्स को बनाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिस मिशन इज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, और इस मिशन के तहत इस मिशन को शुरू किया गया एट द मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर शुरू किया गया, और करीब 5 जिले आपके इस ODF के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ याद रखिएगा, नंबर वन कि बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, नंबर वन। नंबर टू, ये आपका शुरू हुआ है एट द मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, और 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके असम के जो कि ODF के अंतर्गत अब आते हैं। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा, पर याद रखिएगा मिशन संभव इज रिलेटेड टू सैनिटेशन, इट इज़ रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन, इट इज़ स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ असम। फिर बात करते हैं अब हम सूरत के बारे में। सूरत जो है इट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर्स, मतलब भारत का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है, भारत का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जितने भी आपके सोलर पावर सेंटर्स हैं वो अब जितने भी आपके हेल्थ सेंटर्स हैं, ऑल दो सेंटर्स आर नाउ सोलर पावर्ड, वो आपका है इन सूरत। नाउ सूरत में करीब 52 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, एंड वो सब जो हैं अब सोलर पावर के अंदर हैं, दे आर पावर्ड बाय द सोलर सिस्टम या बाय द सोलर एनर्जी, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर। तब तक इसका जो PDF है गाइस, द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर शो विल बी अवेलेबल ऑन आर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आलोक सर हमारे कमेंट्स में दे रहे हैं। तो प्लीज़ जो जो लोग चाहते हैं इसका PDF वो उस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एंड यू विल गेट द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। फिर बात करते हैं एक और हेडलाइन की दोस्तों, वाराणसी जो दुनिया की सबसे पुरानी सेटल्ड सिटी है वो अब हो गई है वायरलेस, मतलब अजूबा हुआ है। And for a change, the government of India has done something worthwhile. So, 2015 mein, the former union minister had said he had announced a ₹432 crore project to lay underground cable in Varanasi, jo kareeb 16 square kilometers ke aaspaas ka tha. फिर इन द वेरी सेम ईयर मोदी सर हैज सेड दैट दे विल इनॉग्रेट द इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, कहाँ पर, बनारस में, विच विल वर्क अंडर द पावर ग्रिड। एंड नाउ फाइनली अगर बात करें बनारस की, तो वहाँ पर आपका हो गया है वायरलेस, और अब कोई भी ओवरहेड केबल अब आपका वहाँ पर नहीं है। सो फाइनली बनारस हैज़ बिकम नाउ अ वायरलेस सिटी, जहाँ पर अब तारों की जो एक आबादी थी उस आबादी को हमने अब यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ दोस्तों सवाल बनेगा कि विच सिटी हैज़ रिसेंटली गॉन वायरलेस इंटेंसिव कनेक्टिविटी, द आंसर विल बी वाराणसी।
जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और सवाल एक और हो सकता है यहाँ पर कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कितना, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट का इज 432 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर, और ये रही आपके सामने, स्विफ्ट हैज लॉन्च्ड has extended its own tracking portal. देखिए SWIFT का फुल फॉर्म है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. ये जो आपकी संस्था है, इस संस्था ने अपना जो एक उसका ट्रैकर था ट्रैकिंग द इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको उसने एक्सटेंड किया है। उस ट्रैकर का नाम है GPI, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन ट्रैकर, उसको उसने एक्सटेंड किया है। और यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था May 2017 में। SWIFT basically has extended its tracker, जिसका नाम यहाँ पर है ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन ट्रैकर और द GPI ट्रैकर। फिर बात करते हैं हमारी आज की दो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो अगर यहाँ बात करें तो 24 मार्च को आपका पड़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ, ये दिन था आपका। और ये कब था आपका, ये था आपका 24 मार्च को। फिर 25 मार्च की बात करते हैं, दिस डे वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड, उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। इसका जो थीम था स्क्रीन पे आपके सामने दिख सकता है, थीम वॉज रिमेंबर स्लेवरी ट्रायम्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जो इसका थीम था। तो देखिए दो दिन इंपॉर्टेंट हैं, नंबर वन वी हैव इज द नेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ, एंड सेकेंड जो डे यहाँ पर दैट इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड। तो ये दो दिन जो आपके हैं ये एक्सट्रीमली यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ जो थीम है उसको भी आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको शो पसंद आया तो लगातार शो को आप लाइक भी करते रहें। चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और ये रही हमारी आज की दो अंतिम हेडलाइंस गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ग्राफिक प्रिंट्स, ये आपका हो रहा है इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपकी पढ़ देता हूं, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल प्रिंट बायनल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ग्राफिक प्रिंट्स वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और ये पहली बार ऐसा कहीं पर हुआ है, एंड इसको आयोजित किया गया है बाय द ललित कला अकादमी, उसने इस पर्टिकुलर समारोह को दिल्ली में आपका आयोजित किया। फिर अर्थ आर की बात करते हैं, अर्थ आर आपका ऑब्जर्व किया गया, दिस पर्टिकुलर आर वॉज ऑब्जर्व्ड इन न्यू वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, हर देश के दुनिया के हर बड़े बड़े शहर में आपका जो ये अर्थ आर था इसको ऑब्जर्व किया गया, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो 12th एडिशन था अर्थ आर का, उसे ऑब्जर्व किया गया ऑन 24th मार्च 2018, उस दिन इसको उसको एक तरह से ऑब्जर्व किया गया, और इस दिन वी टेक अ कॉल टू ऑन क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पर 8:30 से 9:30 बजे के बीच, इस एक घंटे के बीच आपका जो एक डिस्कशन होता है, वी ट्राई टू टर्न ऑफ द लाइट्स ऑफ आर हाउस होल्ड्स, ताकि एक घंटे तक पूरे दुनिया जो है वो अर्थ के बारे में सोचे, एंड दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स इन देयर हाउसेज एंड ऑफिसेज। तो ये यहाँ पर हमारा था द अर्थ दैट टेक्स प्लेस ऑन 24th of March 2018। तो ये थी हमारी आज की हेडलाइंस गाइस। अगर कोई डाउट यहाँ तक है तो बिल्कुल शो के बाद आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा। जाने से पहले एक बार हम आपको दिखा दें, सेमिनार सॉरी जो हमारा बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एंड वो हो गया आपका 21 मार्च को स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल वी आर हैविंग द फर्स्ट वीक ऑफ आर बैच। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उस बैच को जब चाहें तब, मतलब अब जल्दी से ज्वाइन कर लें, बिकॉज ये बैच अब लगातार आपका चलेगा 3 से 4 महीना। सो एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन जॉइन द बैच वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 21st of March, एंड प्लीज़ इस बैच को आप ज्वाइन करिएगा। और बाकी दिखा दें आपको हमारी लास्ट इमेज, वेन यू वॉन्ट टू सक्सीड As bad as you want to breathe, then you will be successful. अगर आपको सही मायनों में सक्सीड करना है तो जिस तरह आप जितनी ज़रूरत आपको सांस लेने की, अगर उतनी ज़रूरत आपको सक्सीड करने की होगी तो ही शायद आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी। आई ऑलवेज कम एट 8 AM इन द मॉर्निंग, बट आज नहीं आ पाए बिकॉज वन ऑफ माई नेबर्स मेट विद एन एक्सीडेंट, तो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज अनेबल टू डू सो, बट फ्रॉम टुमारो विल बी एट 8 AM शार्प। सो सी यू टुमारो एट 8 AM बाइज, एंड पीस आउट गाइज़।